चोटो कहता मम्मा चिकन पाई बनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूफ़ीज़ कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर हाजिर हूँ और आप सबके लिए लाई हूँ एक और नई रेसिपी। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी चिकन फ्राई की रेसिपी, और ये चिकन फ्राई बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट वाला बनने वाला है। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए चिकन फ्राई की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चिकन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो चिकन। 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, फिर अच्छी तरीके से धोकर बाउल में रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेग पीसेस के अंदर इस तरीके से कट लगा लेंगे, इस तरीके से 2 या 3 कट लगा लें आप लेग पीसेस के अंदर। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला जो है काफ़ी अच्छे से हमारे लेग पीसेस में बैठ जाएगा। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे 1 पूरा नींबू का रस। अब 1 नींबू का रस डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। इसी के साथ अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट। तो नमक, लहसुन, अदरक और नींबू डालने के बाद अब अच्छे तरीके से हाथों को धोकर हम इन तीनों चीज़ों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन में मैंने लहसुन, अदरक, नींबू और नमक को अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब इसे कर देंगे हम 5 मिनट के लिए साइड और इसका बाकी का मसाला हम रेडी कर लेंगे जब तक। तो 1 छोटा बाउल लेंगे और उसके अंदर अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही। 2 बड़े चम्मच दही डालने के बाद दही को अच्छे से फेंट लेंगे पहले, और पानी वाला दही हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है, गाढ़ा दही ही इसमें यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं दही कितनी स्मूथ हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के मसाले जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लिया है ऑरेंज फूड कलर, 2 छोटे चम्मच लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 छोटे चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम दही के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसाले डालने के बाद अच्छे से हमने दही में सभी मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हम इन मसालों को डालेंगे चिकन के अंदर। तो ये सभी चीज़ें अब मैं चिकन के अंदर डाल रही हूँ। तो अब ये दही वाला मसाला चिकन के अंदर डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हाथों से अच्छी तरीके से हम चिकन में मिक्स करेंगे। अब सभी मसालों को मैंने चिकन में अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 2 से 2.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आप इसे रखेंगे उतना अच्छा हमारा चिकन फ्राई होगा। अब मैं इसे, ये जो क्लियर वाली पन्नी आती है फ्रेश रैप जैसी, इससे हम इसे रैप कर देंगे। आप चाहें तो खाली प्लेट से ढककर भी रख सकते हैं।
चिकन को मैरिनेट किए हुए 1.5 घंटा हो गया है। अब चलिए चिकन को फ्राई करते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे इतना तेल कि चिकन को अच्छे से डीप फ्राई कर सकें। और अब फुल फ्लेम पर हम तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल हो गया है खूब अच्छी तरीके से गर्म, और हमने चिकन को भी फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इसकी पन्नी को हटा देंगे और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा चिकन हो गया है मैरिनेट। अब एक एक करके हम गर्म तेल में ही चिकन डालना शुरू करेंगे। चिकन के पीसेस को डालने के बाद पहले 1 मिनट के लिए हम इसे फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे, और इस 1 मिनट में हमें चिकन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है वरना चिकन के ऊपर जो भी मसाला है सब हट जाएगा। और उस 1 मिनट के बाद फिर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे फुल फ्लेम पर चिकन को डालने के बाद 1 मिनट तक हमने पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो, और अब हमें इसी आंच पर चिकन को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। और अभी भी अगर ज़रूरत नहीं लगे तो आप चिकन को बिल्कुल भी ना हिलाएं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने के बाद चिकन को हम हल्का सा अलट पलट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं छूटा है और कितना अच्छा कलर आना भी शुरू हो गया है हमारे चिकन का। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमारे चिकन का बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है और हमारा चिकन हो गया है अच्छे से फ्राई। तो अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। तो लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा चिकन फ्राई बनके हो गया है तैयार, और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा, बिल्कुल बाजार जैसा इसका कलर आया है और बहुत अच्छा चिकन फ्राई हुआ है ये। इसका मसाला भी बिल्कुल भी नहीं उतरा है, और साथ में है हमारी ग्रीन चटनी, और इस ग्रीन चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी। ये ग्रीन चटनी मेरे चैनल पर डली हुई है, ये दही वाली ग्रीन चटनी है, इसके साथ चिकन खाएँगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो ये गर्मा गर्म चिकन फ्राई बनकर आ चुका है और अब मैं इसे टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये उठाया मैंने बड़ा सा लेग पीस, दिखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले इसके ऊपर डालता हूँ थोड़ा सा नींबू। आहा, बेहतरीन। और इस हरी चटनी में करेंगे इसको डिप और लेंगे एक बाइट। बेहतरीन यार, सच में बता नहीं सकता मैं, बाज़ार का फेल है। इस रेसिपी को आपको करना है ट्राई ज़रूर, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी है ये। अब मैं करता हूँ इसको टेस्ट अच्छी तरीके से, आप जाओ जल्दी से जाकर बनाओ और इन्जॉय करो। बाय बाय। तो अगर आपको आज की मेरी चिकन फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलेंगे सबसे पहले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।